अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं फरीहा आपके सामने आज फिर से मैं मालपुआ की रेसिपी लेकर आई हूँ। और इस टाइम पे ये थोड़ा सा सिंपल सा मालपुआ है, ना मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ, ना मैं इसमें कलर ऐड कर रही हूँ, और मैं थोड़ी सी क्रीम भी बनाऊँगी इस मालपुए के साथ में। और आप देख लीजिए कि हमें क्या 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 चाहिए। तो ये जो मैं नारियल है मैंने खींच के रखा है, ये एक वाटी, और इसी का एक हाफ वाटी आपने लेना है। उसके बाद ये मैंने ली है सूजी आधी कटोरी, और गार्निशिंग के लिए है टूटी फ्रूटी, और ये है कॉर्नफ्लावर, दो मैंने दूध के छोटे पहले पैकेट लिए हैं, और ये जो आटा है ये कम से कम 250 ग्राम के लगभग आटा है ये, और ये जो है शुगर फ्री जी। और ये मैंने ली है, आप देख सकते हो इसमें जो 15 से 16 इलायची है, और एक मैंने लिया है जायफल। तो सबसे पहले जो प्रोसीजर होगा वो हम नारियल को भुनेंगे। नारियल और सूजी इसको हम भूनेंगे अच्छी तरह। फ्रेंड्स इसको हम देखिए, जब नारियल हम भूनते हैं और उसके साथ सूजी, तो उसकी अलग सी महक होती है, तो इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और हाँ आपको बता दूं कि ये जो मालपुआ है ये मैं इसमें ड्राई फ्रूट भी नहीं डाल रही हूँ, सिंपल मालपुआ बना रही हूँ, और एग भी नहीं डाल रही हूँ। और एक चीज़ और बता दूं आपको, जो ये मालपुआ है मेरे कुरान जो है वो ख़त्म करने की खुशी में है। कल माशाल्लाह मेरा कुरान जो है वो ख़त्म हो गया, कम्प्लीट हो गया है, तो उसी की खुशी में मैं मालपुआ बना रही हूँ। बस इसको आपने ज़्यादा नहीं भूनना है, थोड़ा सा ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन जब तक होता है तब तक आपने इसको भूनना है। देखिए फ्रेंड्स इसका जो सुनहरा कलर मुझे चाहिए था वो आ गया है, तो बस इस अब स्टेज पे मैं इसको उतार रही हूँ। अब यहाँ पर मैं जो क्रीम है वो बना रही हूँ, इतना सा दूध मैंने बचा लिया है, इसमें मैं कॉर्नफ्लावर ऐड करूँगी जब ये दूध गर्म हो जाएगा। जैसे कि रबड़ी जो हम बनाते हैं, रबड़ी भी इसी तरीके से हम बना सकते हैं जैसे मैं बना रही हूँ, मैं क्रीम बना रही हूँ। रबड़ी बनाने के लिए आपको दूध चाहिए, कॉर्नफ्लावर चाहिए, जैसे मैं ये बना रही हूँ क्रीम उसी तरीके से ही रबड़ी भी बनती है, लेकिन उसको थोड़ा ज़्यादा पकाना पड़ता है, और साथ में उसमें ड्राई फ्रूट्स होते हैं और केसर इसमें डलता है तब वो अच्छी लगती है। तो मैं यहाँ पर आप जैसे कि पहले ही बताया मैंने आपको कि मैं सिंपल बना रही हूँ, तो अब मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड करूंगी। इसमें हाफ टेबल स्पून जो है मैं इसमें इलायची ऐड कर रही हूँ, बाकी इलायची मुझे मालपुए में चाहिए। जैसे कि देखिए आप दूध में उबाल आ गया है, तो मैं यहाँ पर शुगर फ्री ऐड कर रही हूँ, 3 चम्मच मैंने शुगर फ्री ऐड किया इसमें, और अब मैं इसमें 2 चम्मच
मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसको आप थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलाएं। अब यहाँ जो मैंने कॉर्नफ्लावर दूध जो बचा के रखा था इसमें मैंने कॉर्नफ्लावर डाला है, अब मैं इसको डाल रही हूँ। बस देखो इसी तरीके से आप मिडल में डालें और इसको चलाते रहें, वरना ये एक जगह जम के गांठें पड़ जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, जैसे इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थिक हो रही है, ये ठंडा होके थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें अभी उबाल आ रहा है और ये जैसे मुझे चाहिए थी उसी तरीके की कंसिस्टेंसी आ गई है। ये देखिए, ये चम्मच में लग रहा है, इसका मतलब है कि ये हम बिल्कुल रेडी है। तो बस 2 मिनट के बाद मैं इसको इंडक्शन से उतार दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये कितना गाढ़ा हो गया है और अब ये ठंडा होके और गाढ़ा हो जाएगा, तो हम इसको मालपुए के साथ खाएंगे। देखिए इसकी मलाई जो है होने के लिए यहाँ पर छोड़ रही हूँ और तब तक मैं मालपुआ जो है उसका डो तैयार करूँगी। ये आटे में मैं बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ, ये मैंने 1/2 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा लिया है, फुल चम्मच मैंने नहीं लिया है। इसके बाद अब इलायची पाउडर, मैंने इलायची पूरी साबुत इलायची मैंने ऐसे ही पीस ली थी क्योंकि इसका फ्लेवर फिर बहुत अच्छा आता है। अब हम थोड़ा थोड़ा पहले पानी डाल के इसको मिलाएंगे। पानी एक साथ नहीं डालना वरना आपको समझ नहीं आएगा कि कैसे बनाना है, बिल्कुल जो बैटर है ये पतला हो जाएगा। इसमें मैं 2 चम्मच जो है वो दही ऐड कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमें थोड़ा सा और इसको बीट करना है, उसके बाद ये तलने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब इसमें मैं शुगर फ्री ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैं मालपुआ जो है वो चाशनी वाला नहीं बना रही हूँ, तो इसलिए मैं शुगर फ्री इसमें ऐड कर रही हूँ। यह मैंने 4 से 5 चम्मच मैंने शुगर फ्री ऐड किए हैं। ये अगर मीठा भी हो गया तो कोई सेहत के लिए इतना हानिकारक नहीं है। अब इसमें 1 से 1.5 चम्मच मैंने इसमें घी जो है वो ऐड किया है। अब इसमें मैं ये ड्राई नारियल और सूजी जो है ये मिक्स कर रही हूँ।
थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे हम, वरना ये एक ही जगह जमा हो जाएगा। बस फ्रेंड्स, इसको आपको मिक्स करने में मेहनत लगेगी, जितना अच्छा मिक्स करोगे उतना अच्छा आपका मालपुआ बनेगा। देखिए फ्रेंड्स, जब तक इस तरीके से बैटर नहीं बन जाता बिल्कुल रनी, कि उठाते ही गिर रहा है, बस ऐसे ही बैटर जो है वो परफेक्ट है। इससे ज़्यादा हम इसमें पानी नहीं डालेंगे। तलना स्टार्ट कर देते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी क्रीम कितनी गाढ़ी हो गई है। फिनिशिंग के लिए इसमें टूटी फ्रूटी जो है वो ऐड कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये मालपुआ बिल्कुल क्रिस्पी बनके तैयार हो गया है। और ये मैंने एक्चुअली उन लोगों के लिए भी एक वाइट कलर में मैंने बनाया है, जो कि हमेशा मेरे पे नेगेटिव कमेंट करते हैं। तो ये मेरी तरफ से एक पीस का एक मैसेज है कि प्लीज़ यूट्यूब किसी का एक का नहीं है, सबका है। तो आप भी मेहनत कीजिए, मुझे भी मेहनत करने दीजिए। अगर आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं तो कम से कम किसी को किसी की खामियां तो ना निकालें, क्योंकि सबका अपना अपना एक स्टाइल होता है। तो बस इसी के साथ में मैं ये कहना चाहूँगी, हमेशा जो कहती हूँ कि जैसे कि पहले मालपुआ लोगों ने ट्राई किया, ये वाला मालपुआ भी आप ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगा। और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि कैसे लगा आपको ये मालपुआ भी। और मेरी रेसिपी अगर आपको ये पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। और जो मेरे नए व्यूअर्स हैं उनके लिए कि वो सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं नई डिशेस बनाऊंगी तो वो आप तक पहले इसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूले। थैंक यू सो मच।